काफी सारे दर्शक लोग हैं, बहुत ज्यादा होते। हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल ब्रो एनिमल लवर। मैं आपका बृहस्पति निशा, जिसका कैमरा तो सस्ता है, सांप पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है कुछ कर दिखाने का। तो आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ, आपको दिखलाते हैं भारत का मोस्ट वेनोमस स्नेक स्पेक्ट्रल कोबरा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं हमारा आप। होते भाग गए, होते होते। अरे पक भाग कुछ नहीं, चला हो, पकड़ पकड़ बस भाग कुछ काटी। देखिए उठी में फाद गए, बाबू उठी में हेयर हेयर बैठ ले, बैठ ले, बैठ ले। मुड़ी यार निकालता, रुक जाओ, देख चाप दो, देख ये रुक जो, थोड़ा सा ठोको से तो का गेहूं है। मारो यार, अपनी भागे पड़ी का थी, ना जब भी ऊपर ए भैया हल्ला मत करिए, आराम से भाई। ये स्पेक्ट्रल कोबरा गोरखपुर के सरे गांव में पकड़ा गया है। ये घर के पीछे वाली सीढ़ी के पास बैठा हुआ था, अगर कोई बिना टॉर्च के इधर आता तो ये इसे बाइट कर सकता था। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी अंधेरे में बिना टॉर्च के न निकले, बरसात का समय है, इस समय सांप ज़्यादा निकलते हैं, तो आप लोग सावधानी बरते। तो सही दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, आगे चल आगे ले चलते हैं, आपको दिखलाते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अंधेरी रात है, लगभग 8 बजे का टाइम है, तो कैमरा तो सही से नहीं हो रहा है, पर आपको इस बारे में बता दे रहे हैं क्योंकि हमारा कैमरा भी सस्ता है, इसलिए सांपों के बारे में बता दे रहे हैं। सुनिए, ये यूपी में भारत में स्पेक्ट्रल कोबरा के नाम से जाना जाता है और हमारे गोरखपुर में इसे लोग गेहूँवर के नाम से जानते हैं। बिहार में इसी सांप को फेटार भी कहते हैं और ईस्ट यूपी में भी इसे फेटार कहते हैं। अलग अलग शहरों में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इसके काटने पर क्या किया जाए। इसके काटने पर आप लोग कोई भी झाड़ फूँक न करें, सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, वही आपकी जान बच सकती है। इसी की जहर से बना हुआ है एंटी वेनम स्नेक से। भीड़ बढ़ती जा रही है, आपको दिखलाते हैं कि सांप दूध पीता है कि नहीं, और इन लोगों को भी दिखलाना ज़रूरी है। तो भाई किसी के पास दूध है, दूध लेकर आइए, कटोरे भी लेते आइएगा थोड़ा सा। गाइज आप लोग भीड़ देख सकते हैं, 100-200 के आसपास आदमी इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पर दो पुलिस वाले भी आ गए हैं। भीड़ बेकाबू ना हो जाए इससे पहले हम लोग इसको दूध पिला के पैक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर दूध पिलाने का टाइम आ गया, आगे इसे दूध पिलाते हैं। आजा भाई दूध पिले, आजा आजा। तो आप लोग देख लीजिए कि ये सांप दूध नहीं पीते हैं, अगर पीना होता है इसको पी लिए होते। तो भीड़ ज़्यादा हो गई है, भीड़ लगाने की कोशिश नहीं करी। आप लोग भी देख लीजिए, सांप दूध नहीं पीता, अब इसको हम लोग पकड़ के डिब्बे में पैक करेंगे और कल इसको जंगल में जाकर रिलीज करेंगे, क्योंकि ये मानव जात के लिए बहुत ही खतरा है, ताकि इसकी भी जान बच सके और मनुष्यों की भी जान बच सके। और ये
डिब्बा लाइए भैया, डिब्बा लाइए, इसको पैक किया है, बड़ा डब्बा लाइएगा। हाँ सबसे ज़्यादा गलती यही होती है सांप को पैक करते वक्त, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ये काम देख के मत करिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है जो ये काम जानता हो, आपको ये गलती से आपकी जान जा सकती है, तो छेदे वाला ले आओ, छेदे वाला ले आओ। डिब्बे में पैक हो गया, अब इसको डिब्बे को छेद कर लेते हैं ताकि सांस सांप ले सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।